अभी हम आपको बता दें दर्शकों, मनीष भैया से मैंने निवेदन किया था और हमारे निवेदन पर काजल जी आ चुके हैं यहाँ पे। इन्होंने आज अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने न्यूज किया है और पूरा गुस्से में ये भी थी कि आखिर में स्कूल की ऐसी बदहाली क्यों है। बाकी मनीष भैया, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरे एक अनुरोध पर अपनी टीम को यहाँ भेजा ताकि इस स्कूल की बदहाली को लोगों तक दिखाया जाए। अभी आप यहाँ पे आई, कैसा लग रहा है, खुश है कि नहीं आप स्कूल की स्थिति? इतनी खुशी की क्या ही बताया, जब चंद्रशेखर जी मंत्री पद ग्रहण किए थे उसके दूसरे दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे, तमाम मीडिया बंधु उपस्थित हुए थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत मुस्कुराहट के साथ बोले थे कि हम तो बिहार में दिल्ली मॉडल लागू करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये मॉडल अब आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं चंद्रशेखर जी का वादा कितना अच्छा दिल्ली मॉडल है। शायद केजरीवाल जी भी इस दिल्ली मॉडल पे शर्मा जाए, केजरीवाल जी भी विचार करने में बैठ जाए कि ये कौन सा दिल्ली मॉडल है भाई। शायद चंद्रशेखर जी, केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी से भी आगे निकल गए हैं दिल्ली मॉडल लागू करने में। और ये तो एक हद तक तो ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे स्कूल का ये समस्या ठीक है, लेकिन उधर जो 5-6 घर है वो लोगों का बदहाली जो है ना अलग लेवल का। ये ठीक है, मान लीजिए यहाँ बच्चे नहीं आएंगे पढ़ने, कहीं और बैठ के सामुदायिक भवन में ही बैठ के पढ़ रहे हैं, वहाँ तक ठीक है, लेकिन जिसका घर है, घर में घुटने घुटने भर नाले का पानी है, वो कहाँ जाएंगे? वो तो घर नहीं छोड़ सकते, बच्चे स्कूल छोड़ के कहीं और बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन घर छोड़ के कोई कहाँ जाएगा? इस मतलब घर स्कूल से भी अगर बुरा हाल अगर देखा जाए ना तो उन परिवार का है जिनके घर में, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया हर एक चीज के वो शिकार होंगे या तो फिर वो उसके आदि हो गए होंगे। अगर पटना में अभी देखिए कितना डेंगू का मामला आ रहा है, अगर ऐसे पटना वासियों को ला के बैठा दिया जाए तो सारे के सारे लोग बीमार हो जाएंगे, लेकिन ये लोग इस चीज के आदि हो चुके हैं इसलिए इन लोग पे असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन सोचिए वो लोग जब घुटने भर नाले के पानी में अपना जिंदगी काट रहे, कैसा लग रहा होगा। और चंद्रशेखर जी से तो अनुरोध है कि वाह कितना अच्छा दिल्ली मॉडल आप बिहार में ला, अवार्ड मिला चाहिए, बेस्ट है, बेस्ट है। मनीष सिसोदिया जी को विचार करना चाहिए, काश दिल्ली में भी ये बिहार वाला जो मॉडल है ना थोड़ा एक झलक दिखाते दिल्ली वालों को कैसा होता है बिहार मॉडल और दिल्ली मॉडल। मतलब बात बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन अगर जमीनी स्तर पे देखा जाए ना तो दिल्ली मॉडल तो बहुत दूर की बात है, जो बिहार मॉडल नीतीश जी लागू किए थे ना वो भी फेल है। बात हो रही है कि 360 डिग्री विकास की, ये वही 360 डिग्री विकास है। बिल्कुल, जब ऐसे घूमता है तो 360 डिग्री जब टर्न होके अपने जगह पे आता वो हो जाता है जीरो। जीरो 360 डिग्री तो है ही, 360 डिग्री विकास है, 360 डिग्री एंगल है ही, बिल्कुल है। बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा आपको लगता है? बच्चों का भविष्य तैर नहीं रहा पानी में, आपको नहीं दिखाई दे रहा, एकदम तैर के एकदम जा रहा है, आसमान छू रहा, नहीं दिखाई दे रहा आपको? बच्चा सब ऊपर बैठ के पूरा देख रहा है, वो देखिए बच्चों का भविष्य इतने उजाले में है कि नीचे से पढ़ते पढ़ते बच्चे ऊपर पहुंच गए हैं, पहुंच गए पूरा। आप सोचिए आसमान छू रहे हैं बच्चे, कहां आप बात कर रहे हैं, आसमान छू रहा है, मतलब इनको एरोप्लेन उड़ने की कोई जरूरी नहीं है। अरे ये लोग बिना एरोप्लेन के उड़ते उड़ते नीचे से ऊपर पहुंच गए, आप कितना विकास चाहिए आपको? अब आप समझ सकते हैं दर्शकों, ये स्कूल की बदहाली इतनी बुरी हो चुकी है कि यहाँ बच्चे जो है पढ़ के पूरा का पूरा एरोप्लेन की तरह उड़ जा रहा है और यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं है। शिक्षा मंत्री नाकाम है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नाकाम है और उनके सारे कार्यकर्ता नाकाम है। विजय चौधरी जी थे वो भी लंबा लंबा वादा किया करते थे, विजय चौधरी जी बहुत लंबा लंबा वादा किया करते थे, लेकिन यही तो है विजय चौधरी जी का। अब चलिए विजय चौधरी जी पे सवाल उठाना बेकार है क्योंकि अब वो शिक्षा मंत्री नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर जी जो दूसरे दिन आके वर्तमान में है, जो दूसरे दिन मुस्कुराहट के साथ जो अपना वादा किए थे दिल्ली मॉडल, भैया पहले बिहार मॉडल सुधार लीजिए ना, फिर दिल्ली मॉडल लाने का बात कीजिएगा। जब बिहार मॉडल से बिहार वासियों खुश नहीं है तो दिल्ली मॉडल से घंटा खुश रहेंगे, पहले उसी को ठीक कर लीजिए, फिर दिल्ली सोचिएगा, महाराष्ट्र सोचिएगा, जहां सोचना होगा भाई, लंदन का आप मॉडल लाइए ना, लेकिन कम से कम बिहार मॉडल को ठीक कर लीजिए, इन गरीब बच्चों का भविष्य बना लीजिए ना, क्योंकि अमीर के बच्चे तो चले जाते हैं प्राइवेट स्कूल में, लेकिन गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे? चंद्रशेखर जी के बच्चे इसमें आएंगे? नहीं आएंगे, कहाँ आएंगे भाई? हमें हाँ आएंगे, कैम्ब्रिज में पढ़ रहे होंगे, कैम्ब्रिज में या फिर उनके जो भी पोता पोती जो भी हो, कभी आएंगे इसमें? नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, इसमें आएगा गरीब के लोग, इन जैसे गरीब के बच्चे आएगा, जिसमें इस शिक्षक की बहाली होगी, इस स्कूल में जो शिक्षक पढ़ाते भी होंगे उनके भी बच्चे आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, लेकिन क्या करें, इनके पास पैसे नहीं है, मजबूर है, इसलिए अपने बच्चों को भेजते हैं यहाँ के वजह सामुदायिक भवन में बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या करेंगे। और जो वो बोलते, एक और स्टेटमेंट था चंद्रशेखर जी का कि नफरत फैलाने नहीं आए हैं हम, प्यार फैलाने आए हैं। भैया आप एसी वाले रूम में बैठ के ना प्यार फैलाते रहिए और बच्चों का भविष्य ऐसे कचरे में उड़ाते रहिए, बिल्कुल गरीबों का बच्चों का भविष्य
आते रहिए, यही आपका प्यार। के कैमरा मैन है जो काजल जी के साथ आए हैं। जिंदगी में ऐसा कभी आपने न्यूज कवर किया है कि नहीं? नहीं, कभी नहीं। कैसा लग रहा है थोड़ा सा बता दीजिए फीलिंग। कैसा लगेगा? खराब लग रहा हो? कैसा लगेगा? खराब लग रहा है तब देख लीजिए वो पानी फेंक दिया। ओ, ये हालत हो गई है, मतलब कि पूरा का पूरा स्थिति बेहाल है, बदहाल है, पूरा बदहाल है। मनीष भैया क्या बोल के भेजे थे यहाँ के? यहाँ के जो विधायक है ना, वो मंत्री बन गए हैं और उनको पटना में मिल गया है बढ़िया सा आवास। आवास गांव लोग को वहाँ पे जाकर के उनके खिलाफ नारेबाजी करना चाहिए था जी, तब जाके कुछ हो पाएगा, तब होगा। मनीष भैया कब आ रहे हैं, आएंगे कि नहीं? अब देखिए अब आते हैं कि नहीं आते हैं, वही ना बता सकते, हम थोड़े बताएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ आए और आप लोगों ने इस स्थिति पे आवाज उठाया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया।